नमस्कार, मैं गौरव श्याल, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा पशुओं का सामान्य प्रबंधन व उनसे संबंधित जानकारियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पशुधन प्रबंधन के अंतर्गत प्रजनन, निष्कासन, खान पान प्रबंधन से संबंधित उन्नत पद्धतियाँ शामिल की जाती हैं, जिनके द्वारा हम पशुधन से समुचित उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग मतलब प्रजनन। सब बात करते हैं उच्च गुणों वाले पशुओं का आपस में संकरण करवाकर एक उच्च गुणों वाली संतति प्राप्त करना ही प्रजनन कहलाता है। बात करते हैं निष्कासन, कलिंग। कलिंग जो है होता है वो अवांछनीय पशु, जैसे कोई किसी समूह में कोई बेकार पशु है या कम दूध देने वाला पशु है तो उसका निष्कासन ही कलिंग कहलाता है। अब बात करते हैं फीडिंग के बारे में। फीडिंग का अर्थ होता है पशुओं को उनकी शारीरिक आवश्यकताओं तथा कार्यशैली के अनुसार मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन तथा ड्राफ्ट पावर के अनुसार जो है संतुलित भोजन प्रदान करना, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज लवण तथा वसा इत्यादि उत्पन्न हो, तो ये चीज़ फीडिंग कहलाती है। इसके अलावा प्रबंधन के अंतर्गत अन्य बहुत सी पद्धतियां शामिल की गई हैं और किसी न किसी प्रकार से पशुओं को स्वस्थ रखकर व उनसे बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। ये पशुओं की पद्धतियां कुछ निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉल्फ रेयरिंग की। नवजात बच्चों का पालन पोषण कॉल्फ रेयरिंग कहलाता है। अब बात करते हैं हाउसिंग की। पशुओं की आवास व्यवस्था करना हाउसिंग कहलाता है। सैनिटेशन साफ सफाई करना पशुओं की जो है सैनिटेशन कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पशुओं को चिन्हित करना, और कास्ट्रेशन मतलब बधियाकरण। सामान्यतः बधियाकरण के लिए बर्डीजो के स्टेटस नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा पशुओं को बधिया किया जाता है। बधिया करने से तात्पर्य पशुओं की जो है एक नई प्रजाति को विकसित करने से हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट कंट्रोल ऑफ डिजीज़, मतलब बीमारियों का इलाज करना। अब बात करते हैं डिबडिंग एंड डिहार्निंग, सिंग रोधन करना। सिलेक्शन में बात करते हैं उच्च गुणों वाले पशुओं का चुनाव करना, जिनके संकरण से एक उन्नत किस्म विकसित की जा सकती है। एजिंग पशुओं की उम्र का निर्धारण करना। रेस्ट्रेनिंग पशुओं को काबू करना। और वेटिंग और मेजरिंग पशुओं का भार व माप करना। डिवॉर्मिंग पशुओं को कीड़ों की दवाई खिलाना। ग्रूमिंग पशुओं की मालिश करना। एक्सरसाइज पशुओं को नियमित व्यायाम कराना। प्रॉपर हीट डिटेंशन और एवं ब्रीडिंग पशुओं का ताव का सही पता लगाना। और मिल्किंग एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, दूध दोहन व स्वच्छ दूध उत्पादन। अब हेयर कटिंग बाल काटना। हूफ ट्रिमिंग खुरों को काटकर उन्हें सही आकार प्रदान करना। शेयरिंग ऊन कतरना। और कीप ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स, हर तरह के रिकॉर्ड रखना। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ वॉइस, पशुओं की बुरी आदतों का नियंत्रण करना। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स, पशुओं का परिवहन। रेगुलर केयर एंड मैनेजमेंट, नियमित देखभाल व पशुओं का प्रबंधन। अब बात करते हैं पशुओं के काम आने वाले कुछ शब्दों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैटल। कैटल की स्पीसीज होती बोवाइन, और एडल्ट मेल को इसके बुल कहते हैं तथा एडल्ट फीमेल को काऊ कहते हैं तथा न्यूबॉर्न बेबी को काल्फ, तथा जो इसकी एक्ट ऑफ मेटिंग होती है ये सर्विंग कहलाती है। और एक्ट ऑफ पास्चराइजेशन मतलब प्रसव की अवस्था काल्विंग कहलाती है। इसका जो ग्रुप होता है उसको हर्ड कहते हैं। इसी तरीके से बुफैलों में जो बुफैलों की स्पीसीज होती है ये बोवाइन कहलाती है, तथा इसके एडल्ट मेल को जो है बुफैलो बुल कहते हैं, तथा इसके एडल्ट फीमेल को बुफैलो कहते हैं, तथा इसके न्यूबॉर्न बेबी को जो है बुफैलो काल्फ कहते हैं, तथा एक्ट ऑफ मैटिंग इसकी कहलाती सर्विंग, तथा एक्ट ऑफ पास्चराइजेशन जो इसका कहलाता है ये काल्विंग कहलाता है, तथा इसके ग्रुप को हर्ड कहते हैं। अब बात करते हैं सिप की। सिप के जो स्पीसीज होती है उसको ओवाइन कहलाते हैं।
कहते हैं। और इसका जो एडल्ट मेल होता है उसको रैम, एडल्ट फीमेल को ईवी तथा लैम्ब, तथा इसके जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको लैम्ब, और एक्ट ऑफ मेटिंग ट्रूपिंग और एक्ट ऑफ पास्चराइजेशन जो होता है इसका लैम्बिंग कहलाता है, तथा इसका ग्रुप को फॉल्क कहते हैं। अब बात करते हैं गोट की। गोट का जो है जो स्पीसीज होती है उसको कैप्राइन बोलते हैं, और एडल्ट मेल को बिली या और एडल्ट फीमेल को नैनी या गोट कहते हैं, तथा न्यूबॉर्न बेबी को किड कहते हैं, तथा एक्ट ऑफ मेटिंग सर्विंग कहलाती है, तथा एक्ट ऑफ पाश्चराइजेशन किडिंग, तथा इसके ग्रुप को ट्रिप कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पिक की। पिक की जो स्पीसीज होती है उसको स्वाइन बोलते हैं, और इसके एडल्ट मेल को बोर तथा शाओ इसकी फीमेल को बोलते हैं, तथा पिगलेट इसके न्यूबॉर्न बेबी को, तथा एक्ट ऑफ मेटिंग कपलिंग कहलाती है, तथा एक्ट ऑफ पाश्चराइजेशन जो होता है इसका फ्रोइंग, तथा इसके ग्रुप को ड्रोव बोलते हैं। अब बात करते हैं पोल्ट्री की। पोल्ट्री के जो स्पीसीज होते हैं इसको एवाइंस, और इसकी मेल को कॉक और फीमेल को हैन, और तथा न्यूबॉर्न बेबी को चिक, और एक्ट ऑफ मेटिंग कॉपलेशन, तथा जो इसकी जो एक्ट ऑफ पाश्चराइजेशन होती है वो हैचिंग कहलाती, तथा इसके ग्रुप को फॉल्क बोलते हैं। अब बात करते हैं दुधारू तथा भारवाहक एनिमल के में अंतर में। सबसे पहले बात करते हैं दुग्ध उत्पादन क्षमता। जो आपका दुधारू होता है उसमें अधिक होता है, तथा जो भारवाहक होता है उसमें कम होता है। जो आपका जो शरीर की बात करते हैं, तो जो दुधारू होता है उसका शरीर गठीला होता है, और जो उसका भारवाहक पशु होता है उसका सुडौल मजबूत होता है। अब जो शरीर के आकार की बात करते हैं, तो जो आपका दुधारू पशु होता है उसका त्रिकोणाकार होता है, तथा जो भारवाहक होता है उसका गोलवा शरीर लंबा होता है। अब बात करते हैं शरीर के भार की। जो दुधारू पशु होता है उसका शरीर अधिक भारी होता है, तथा जो उसका भारवाहक पशु होता है उसका कम भारी होता है। स्वभाव जो होता है दुधारू पशु का शांत एवं सुस्त होता है, जो भारवाहक पशु होता है वो सक्रिय एवं एक्टिव होता है। और अडर की बात करते हैं। अडर जो दुधारू पशु होता है उसका सुविकसित और तथा बड़ा होता है, और जो भारवाहक होता है उसका कम मुलायम तथा कम विकसित होता है। अब बात करते हैं चाल की। जो दुधारू पशु होता है वो धीरे चलता है, और जो भारवाहक पशु होता है वो धीरे थोड़ा तेज चलती है, उसकी गति तेज होती है। अब बात करते हैं देसी एवं विदेशी गायों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कुबड़ की। देसी गाय में जो कुबड़ होता है वो उपस्थित होता है, तथा विदेशी गाय में अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं शरीर की रंग की। तो देसी गाय में बहुत सारे रंग पाए जाते हैं, मतलब बहुत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, तथा विदेशी गाय में कुछ कम भिन्नताएँ पाई जाती हैं। शरीर का आकार जो देसी गाय का होता है वो छोटा होता है, और विदेशी गाय का बड़ा होता है। और शरीर भार जो है देसी गाय का कम होता है, तथा विदेशी गाय का अधिक होता है। पीठ जो है देसी गाय की झुकी हुई होती है, तथा विदेशी गाय में सीधी होती है। अब बात करते हैं लंबाई की। लंबाई जो होती है देसी गाय की जो होती है वो कम होती है, तथा विदेशी गाय की अधिक होती है। ऊंचाई जो है देसी गाय की कम होती है, विदेशी गाय की अधिक होती है। अडर जो है देसी गाय में कम विकसित होता है, विदेशी गायों में अधिक विकसित होता है। जो खाने पीने की जो आवश्यकता रहती है वो देसी गाय को कम रहती है, तथा विदेशी गाय को अधिक रहती है। पानी की जो आवश्यकता होती है वो देसी गाय के लिए कम रहती है, तथा विदेशी गाय के लिए अधिक रहती है। और गर्मी सहन करने की क्षमता देसी गायों में अधिक होती है, तथा विदेशी गायों में कम होती है। तथा जो डिजीज रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो देसी गायों में अधिक होती है, तथा विदेशी गायों में कम रहती है। और जो उनका प्रबंधन होता है देसी गायों का आसान होता है, तथा विदेशी गायों का कठिन होता है। जो मैच्योरिटी एज होती है वो देसी गायों की जो रहती है वो 24 से 36 महीने की रहती है, तथा विदेशी गायों की 15 से 18 महीने की रहती है। इनके जो प्रथम वर्ष की आयु रहती है वो देसी गायों में 36 से 42 महीने रहती है, विदेशी गायों में 24 से 30 महीने की रहती है। जो ड्राई पीरियड रहता है, ड्राई पीरियड में सबसे पहले समझ लीजिए, जो जैसे गाय की बात करते हैं तो गाय 280 दिन का उनका वो रहता है लैक्टेशन पीरियड, बाकी समय शुष्क हो जाती हैं, शुष्क काल में चली जाती हैं, तो यही उनका शुष्क काल होता है। देसी गाय में 2 महीने से अधिक रहता है, विदेशी गाय में 2 महीने से कम रहता है। बात करते हैं इनके दूध संगठन के बारे में। जो मिल्क कंपोजिशन होता है देसी गाय में जो रहता है आपका
फैट पानी वो 86.6% रहता है और उसमें विदेशी गाय में जो है 87.4 रहता है। जो सॉलिड होता है ठोस पदार्थ होता है वो देसी गाय में 13.4% रहता है तथा विदेशी गाय में 12.6% रहता है। जो फैट रहता है वो देसी गायों में 4 से 4.5% रहता है तथा विदेशी गायों में 3 से 3.9% तक रहता है। एस एन एफ मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट। जो देसी गायों में रहता है वो 8.3 से 9.4% रहता है तथा विदेशी गायों में 8.7 से 9.6% तक रहता है। नमस्कार, आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।